Hello guys welcome to law Siksha. today we will discuss about rioting which is covered under section 146 of indian penal code unlawful assembly was already explained in previous video if you haven't watched yet you should watch it first guys do subscribe the youtube channel and also press the bell icon for more future updates now we will start with rioting which is covered under वन फोर्टी सिक्स सेक्शन ऑफ आईपीसी अगर आप इस वीडियो से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप साथ में अपने पास वेर एक्ट जरूर रखें अगर आपके पास वेर एक्ट नहीं है तो आप उसको गूगल से डाउनलोड करें किसी और एप्लीकेशन में इसको खो खोलें या फिर इस वीडियो को जब भी पढ़ रहे हैं तो साथ के साथ बेयर लैंग्वेज को जरूर देखें 146 फोर्टी सिक्स सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड डिस्क्राइब करता है रॉयटिंग को मैं आपके लिए एक बार बेयर प्रोविजन पढ़ रहा हूं, जिसमें वो कहता है कि वेनएवर फोर्स और वेंस इज यूज बाई एन अनलॉफुल असेंबली और बाय एनी मेम्बर देयर ऑफ इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ सच असेंबली एवरी मेम्बर ऑफ सच असेंबली इज गिली ऑफ देंस ऑफ रॉइटिंग इसके अंदर क्या कहा है वह हमने इसके मेन एलिमेंट्स में बताया इसके मेन एलिमेंट जो है ये वन टू तो, थ्री इसके अंदर हमने डिस्क्राइब किया है कि क्या कहता है ये कहते हैं कि जो एक्यूज है वो पांच या पांच से ज्यादा हों ठीक है वही सेम कंडीशन जो अनलॉफुल असेंबली की है एक्यूज्ड मस्ट बी विद कॉमन ऑब्जेक्ट जितने भी वो व्यक्ति हैं जो रॉयट करेंगे उनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए लड़ाई का मकसद होना चाहिए उनका दंगे फसाद का फोर्स और वॉयलेंस मस्ट बी यूज बाय द अनलॉफुल असेंबली और एनी मेंबर एनी मेंबर देखिए अब क्या पता पूरी जो असेंबली है वो वहां पे खड़ी हो लेकिन एक मेंबर जो है वो हल्का सा भी फोर्स यूज कर देता है या फिर वॉयलेंस यूज कर देता है तो ये रिजल्ट किस में आएगा रोइटिंग में ठीक है ये सेक्शन 146 को एक्टिव कर देता है वहां पे अब इसके एक्सप्लेनेशन बताते हैं मीनिंग ऑफ एंड फोर्स मीनिंग ऑफ फोर्स एंड वॉयेंस सेक्शन थ्री जो है आईपीसी का वो हमें ना फोर्स को डिफाइन करके बताता है ठीक है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग या उसका जो सार है जो हम उसकी समरी बताते हैं वो ये है कि फोर्स क्या होता है कि कभी किसी को किसी को मोशन को रोक देना या फिर उसके मोशन को चेंज कर देना या सीज कर देना ठीक है ये ये होता है फोर्स हम जोर लगा के किसी गाड़ी को रोक देते हैं उसको फिर से चला देते हैं है ना तो ये फोर्स होता है लेकिन यहाँ पे इस फोर्स का क्या मतलब है जब कोई व्यक्ति किसी को टच करता है किसी दूसरे व्यक्ति की बॉडी पार्ट को टच करता है बाय फोर्स और उसको उसकी फीलिंग्स चेंज होती हैं ठीक है तो यहाँ पे फोर्स कहा जाता है उसे जो वॉयलेंस है वो फोर्स का एक अपर डिग्री माना जाता है ओके जो ग्रेटर डिग्री होती है वाइडर टर्म होती है क्योंकि जो वॉयलेंस है ये किसके अगेंस्ट भी हो सकता है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी हो सकता है अदर ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट भी हो सकता है ओके okay. हल्का सा स्लाइटेस्ट यूज अगर कर देता कोई हल्का सा यूज भी कर देता अगर फोर्स का कोई तो वो भी रोइिंग के अंदर बन जाएगा ठीक है अब हम इसकी बात करते हैं कि इसका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है कि ये कॉमन ऑब्जेक्ट हमने एजेंशियल में पढ़ा है ये है क्या चीज कहता है कि अगर असेंबली जो है वो क्या करती है यूजेस फोर्स बट नॉट हैविंग कॉमन पर्पज जो असेंबली बनी है वहां पे जो अनलॉफुल असेंबली बनी थी वो क्या करती है कि इकट्ठी तो हो गई फोर्स भी यूज कर लिया लेकिन कॉमन पर्पज नहीं था तो ये रॉयटिंग में नहीं बनेगा ये रॉयटिंग के सेक्शन में नहीं आएगा कॉमन ऑब्जेक्ट बिटवीन मेंबर्स ऑफ द असेंबली इज नेसेसरी फॉर रॉयटिंग रोयटिंग करने के लिए जो बी मेंबर्स हैं उसके बीच में एक कॉमन ऑब्जेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है अदरवाइज ये रोयटिंग में नहीं आएगा ठीक है सडन क्वारल कोई अचानक हमने देखा है कई बार क्या होता है कि दोस्तों के बीच में भी लड़ाई हो जाती है और कहीं पे भी मतलब छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं तो सडन क्वारल हो जाते हैं जहाँ पे वहां क्या कहता है कि इफ अ नंबर ऑफ पीपल असेंबल फॉर अ लॉफुल पर्पज अब बहुत सारे लोग हैं वो लॉफुल पर्पज के लिए हुए थे इकट्ठे लेकिन क्या होता है कि एक जो उसके अंदर एक मेम्बर है वो मतलब ऐसे ही सडन क्वारल में फोर्स का यूज कर देता है ठीक है और उसकी कोई इंटेंशन नहीं होती है जबकि उनका कोई कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं था वहां पे तो क्या होगा कि दे विल नॉट बी लाइबल फॉर रोइटिंग क्योंकि कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं है ना अगर कॉमन ऑब्जेक्ट होता वहां से उनका पहले से ही और फिर वो उनमें से पांच में से कोई एक व्यक्ति भी एक्ट करता हल्का सा फोर्स लगाता तो हम उसको कह सकते थे कि ये रोइटिंग है नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन रॉयट एंड अनलॉफुल असेंबली अब हमें यह बताना है कि अनलॉफुल असेंबली के बीच में और रॉयट right के बीच में डिफरेंस क्या है ऐसे तो हम अनलॉफुल असेंबली हमने अभी देखी थी है ना अभी हमने उसको डिस्कस किया ही था बट वॉट इज द मेन डिफरेंस डिफरेंस जो है दोनों में वो है सिर्फ एक टर्म का जिसे हम कहते हैं फोर्स फोर्स एंड वॉलेंस ठीक है अनलॉफुल असेंबली यूजेस फोर्स टू बिकम रॉयट अनलॉफुल असेंबली तो पांच या पांच से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए मैंने वीडियो पहले भी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक में उसका दे दूंगा लेकिन मैंने पहले भी उसको बताया है कि जो अनलॉफुल असेंबली है वो कॉमन ऑब्जेक्ट है उनका और वो पांच या पांच से ज्यादा लोग हैं ठीक है तो वहीं पे अनलॉफुल असेंबली तो हो जाती है लेकिन जब वो फोर्स लगा देती है तो वो ही रोइट का रूप ले लेती है और कवर हो जाती है सेक्शन वन में ओके okay. अब क्या है कि स्पेक्टेटर्स एंड वॉरफेयर्स क्या है कि एट्रेक्टेड टू द सीन ऑफ रॉयटिंग बाय क्यूसिटी एज जनरली हैपेंस इन सोसाइटी अगर एक मार्केट में लड़ाई हो रही है और वहां पे लोग बहुत खड़े हैं लड़ाई हो ही जा रही है हो ही जा रही है अब क्यूरसिटी के कारण या फिर उनको छुड़वाने के बहाने जनरली लोग जो है सोसाइटी में इकट्ठे हो जाते हैं लेकिन उनको उस रॉयट का मेंबर नहीं माना जाएगा ठीक है क्योंकि मेयर प्रेजेंस कैन नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉयटिंग ठीक है सिर्फ प्रेजेंस होना वहां पे रोटिंग के लिए एजेंशियल एलिमेंट को जो रोइटिंग हमने अभी डिस्कस किया उसको फुलफिल नहीं करते हैं तो ये रोटिंग नहीं होगी इवन अगर वो काफ़ी दूर उनके साथ पैदल पैदल चलकर आ रहे हैं तो ये एज्यूम किया जा सकता है कि हाँ वो रोटिंग के मेम्बर थे या हैं अदरवाइज नॉट सेक्शन जो वन है वो कहता है कि क्या पनिशमेंट होगी अगर कोई रोटिंग करता है उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है दो साल तक की या उसको फाइन हो सकता है या उसको दोनों हो सकता है इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है दो साल की और साथ में फाइन भी हो जाए ओके सेक्शन 148 कहता है कि रोयटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन डेडली वेपन।, वेपन जैसे हमने अनलॉफुल असेंबली में पढ़ा था कि अनलॉफुल असम्बली ज्वाइनिंग डेडली विपन तो अगर यही रोइटिंग तो देखो पहले भी हो रही है अब भी हो रही है लेकिन अब उनके पास जो वो हथियार है जिनसे किसी की मृत्यु हो सकती है तो इस बात में क्या होगा कि इस सेक्शन में ये बताता है कि इसकी पनिशमेंट जो होगी वो होगी इन अप टू थ्री इयर्स तीन साल तक की पनिशमेंट हो सकती है फाइन हो सकता है दोनों भी हो सकते हैं ओके रोइिंग यहां पे कंप्लीट होता है आगे आता है कि वन सेक्शन कि एवरी मेंबर ऑफ अनलाफुल असेंबली ठीक है हर मेंबर जो अनलॉफुल असेंबली का जो मेंबर ही हो गया वो गिल्टी है किसका ऑफेंस का कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट जो उनका कॉमन ऑब्जेक्ट था अब मान लीजिए छह लोग हैं उनका कॉमन ऑब्जेक्ट है कि हमने क्या करना है हमने आ, दंगे करने हैं रोटिंग ही करनी है कॉमन ऑब्जेक्ट है वो पहले से ही सलाह करके बैठे हैं अब उनमें से पांच जने जो हैं पांच लोग हैं वो काम करते हैं इस कॉमन ऑब्जेक्ट की तरफ इसको रिजल्ट करने के लिए जो एक व्यक्ति है वो कुछ नहीं करता वो बैठा रहता है लेकिन वो भी प्रॉपर लाइबल होगा क्यों अंडर सेक्शन 149 क्योंकि वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर था और उसका भी कॉमन ऑब्जेक्ट था और उसने सभी एक्ट किए हैं ठीक है ठीके? अब क्या कहता है कि सम ऑफेंस कमिटेड बाय मेंबर ऑफ मेंॉफुल असेंबली कुछ ऑफेंस किया गया होना चाहिए मेंबर्स जो है अनलॉफुल असेंबली के दूसरा देर मस्ट बी कॉमन ऑब्जेक्ट देखो कॉमन ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी है कॉमन ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए अब कहते हैं कि यार सब कुछ तो हमें पता है फिर ऐसा भी क्या हो गया कि सेक्शन 34 जो कॉमन इंटेंशन की बात करता है और सेक्शन 149 इनके बीच में क्या डिफरेंस हो गया जो सेक्शन 34 है वो एक स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं है उसको हम दूसरे ऑफेंस के साथ कंसीडर करके चलते हैं लेकिन जो सेक्शन 149 है वो एक अलग से ऑफेंस है ठीक है स्पेसिफिक ऑफेंस है कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए सेक्शन थर्टी में बट सेक्शन 149 में सिर्फ मेंबरशिप से काम चल जाता है अगर मेंबरशिप है तो उससे ही वो ऑफेंस के लिए गिल्टी हो जाता है जो सेक्शन 34 है उसके अंदर कॉमन इंटेंशन की बात की गई होती है जो सेक्शन 149 है इसमें हमने कॉमन ऑब्जेक्ट पढ़ा है ठीक है जो सेक्शन 34 है वो किसी प्रकार के व्यक्ति की नंबर फिक्स नहीं करता लेकिन जो 149 है वो फिक्स करता है कि फाइव और मोर देन फाइव ओके कॉमन इंटेंशन जो है जो सेक्शन थर्टी फोर है उसके अंदर ये बताता है कि कितने मेंबर हो सकते हैं कोई फिक्स नंबर लॉ नहीं बताता वहाँ पे, स्पेसिफिक सेक्शन नहीं बताता कि कितने नंबर है, ठीक है नेक्स्ट पार्ट वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो थैंक यू एंड कीप सब्सक्राइबिंग कीप व्यूविंग पूरी वीडियो देखा करें थैंक यू